करें सर, शुरू करें। नमस्कार, हम आज की ब्रीफिंग शुरू करते हैं गृह मंत्रालय से। तो मेरी रिक्वेस्ट है मैडम से, प्लीज मैम स्टार्ट। नमस्कार, जैसा आपको पता है गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहा है। इसने 3 मई तक लगभग 12,000 शिकायतों पर कार्यवाही की है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनुरोध किया है कि वे ध्यान दें कि इंटर स्टेट कार्गो मूवमेंट में कोई समस्या ना आए, आर्थिक व्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की आवाजाही में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस क्रम में मैं गृह मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से सभी वाहन चालकों को बताना चाहूंगी कि अगर उन्हें अंतरराज्यीय आवाजाही में कोई भी समस्या आती है तो वे टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। अगर वे नेशनल हाईवे पर हैं तो वे NHAI के हेल्पलाइन नंबर 1033-1033 पर सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श लेते हुए सभी स्टेट्स और यूटीज को और सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को एडवाइजरी जारी की है। इसमें उनका ध्यान फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय के विभिन्न दिशा निर्देशों की तरफ आकृष्ट किया है कि कार्य करते समय और कार्यस्थलों में COVID-19 से बचने के लिए उन्हें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही प्रिजन्स यानी कारागार में तथा पुलिस कर्मी COVID-19 के संक्रमण से किस प्रकार सुरक्षित रहें उस पर एक डिटेल्ड SOP और दिशा निर्देश भी साझा किए हैं। जैसा आप लोगों को पता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 मई 2020 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 4 मई 2020 से लॉकडाउन को 2 सप्ताह और बढ़ाने का आदेश नए दिशा निर्देशों के साथ जारी किया है। आपने इन्हें पढ़ा होगा, पर इनके कुछ बिंदु मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। लॉकडाउन के इस चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड के अनुसार देश में सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। जोन के अनुसार लॉकडाउन के नियमों में छूट प्रदान की गई है। जिलों का वर्गीकरण स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हर सप्ताह या आवश्यकता अनुसार उससे पहले साझा करेगी। नए दिशा निर्देशों में जोन वाइज कुछ प्रतिबंध है तो रियायतें भी दी गई हैं। जहां प्रतिबंध कोरोना संक्रमण को विफल करने के लिए अति आवश्यक है, वहीं व्यापक समीक्षा के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील देश की अर्थव्यवस्था को कार्यात्मक बनाने, वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी लाने और कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टि से की गई है। नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत कुछ गतिविधियों पर राष्ट्रव्यापी रोक जारी रहेगी। देशव्यापी प्रतिबंध में हवाई, रेल और मेट्रो यात्रा तथा सड़क द्वारा अंतरराज्यीय यात्रा पर रोक रहेगी। हालांकि मेडिकल सुरक्षा और गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के लिए इस प्रतिबंध में छूट होगी। विद्यालय, महाविद्यालय, अन्य शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति है, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र में कुछ हद तक हम कमी को पूरा कर सकते हैं। आतिथ्य सेवाएं जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट तथा सिनेमाघर, मॉल्स, जिम, खेल परिसर, बार, ऑडिटोरियम और ऐसे सभी संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक समागम जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं
और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर से बाहर निकलना वर्जित है। रेड जोन और ऑरेंज जोन में कुछ प्रतिबंध है पर छूट भी है। रेड और ऑरेंज जोन्स में जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए उसमें स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा, यानी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर लोगों की आवाजाही नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर किसी भी अन्य गतिविधि या कार्य की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन के बाहर रेड जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा कुछ अन्य एक्टिविटीज पर भी रोक होगी। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स के परिचालन पर रोक रहेगी। बसों की इंटर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। नाई की दुकानें, स्पा और सैलून बंद रहेंगे। मॉल्स तो बंद ही रहेंगे, पर शहरी क्षेत्रों में मार्केट्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में गैर जरूरी सामानों की दुकानों की अनुमति नहीं है। हालांकि जरूरी सामान वाली दुकानों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबरहुड यानी कॉलोनी की दुकान और आवासीय परिसर के भीतर जो दुकानें हैं, वे हर तरह का सामान बेच सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मॉल को छोड़ हर तरह की दुकान की अनुमति है। रेड जोन में ई कॉमर्स सिर्फ एसेंशियल गुड्स के लिए अलाउड है। रेड जोन में कुछ बंदिशों के साथ ऑलमोस्ट सभी व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों की अनुमति दी गई है। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए लोगों एवं वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। फोर व्हीलर्स में चालक के अलावा अधिकतम 2 लोग बैठ सकते हैं और 2 व्हीलर्स में पिलियन राइडर यानी पीछे की सीट पर सवारी की अनुमति नहीं है। रेड जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक, कृषि इत्यादि गतिविधियों की अनुमति है, परंतु शहरी क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध हैं। इन सिटू कंस्ट्रक्शन यानी मजदूर जहां साइट पर रहते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी छूट दी गई है। निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33% स्टाफ के साथ कार्य कर सकेंगे। ऑरेंज जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा बसों की इंटर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट आवाजाही भी प्रतिबंधित है तथा टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ आवाजाही की अनुमति है। 4 व्हीलर्स में चालक के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे। यहां 2 व्हीलर्स में दूसरी सवारी की अनुमति है। ग्रीन जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। हालांकि बसों का परिचालन अधिकतम 50% बैठने की क्षमता के साथ किया जा सकेगा और बस डिपो भी अपनी 50% क्षमता के साथ ही संचालन कर सकती हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर लोकहित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए और COVID-19 की चेन तोड़ने के लिए सभी जो हमारे राष्ट्रीय निर्देश है उनका सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर अनुपालन करने का अनुरोध करती हूं। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। अब तक टोटल 11,706 लोग क्योर हो चुके हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1,074 पीपल हैव बीन क्योर्ड। इट इज सच ए पॉजिटिव न्यूज दैट दिस इज द हाईएस्ट नंबर इन टर्म्स ऑफ क्योर्ड पेशेंट नोटेड टिल डेट। और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है। पिछले 24 घंटे में भारत में अगर COVID-19 के कंफर्म केसेस की संख्या देखें तो 2,553 केसेस बढ़े हैं, जिसके कारण की कुल कंफर्म संख्या अब 42,533 हो चुकी है। टोटल एक्टिव केसेस अंडर मेडिकल सुपरविजन की संख्या 29,453 है। अगर हम सभी अपने क्लोज केसेस को डेटा के बेसिस पर एनालिसिस करें और एक आउटकम रेशियो कैलकुलेट करें, आउटकम रेशियो मींस कि जो हमारे केसेस क्लोज हो चुके हैं उनका आउटकम यानी कि क्या वो रिकवर हुए हैं या डेथ रिपोर्ट हुई है उसके टर्म्स में मेजर करते हैं। यह हॉस्पिटल में क्लिनिकल मैनेजमेंट के स्टेटस को इंडिकेट करती है। तो इससे पहले हम लोगों ने 17 अप्रैल में जैसे बातचीत की थी तो पाया था कि देश में आउटकम रेशियो 80:20 नोट की गई थी और उसके कंपैरिजन में अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि हमारी आउटकम रेशियो बढ़कर 90:20 नोट की गई है, जो कि
17 अप्रैल के डेटा से इम्प्रूवमेंट के रूप में हम देख सकते हैं। ये वैसे तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि देश के लिए हर एक डेथ कंसर्न का विषय है, इसीलिए जरूरी है कि हम कोविड के ट्रीटमेंट की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, फोकस करें कि हम अपने इस आउटकम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज जैसे कि लॉकडाउन हमारे देश के कुछ हिस्सों में स्टैगर्ड मैनर में ईज हो रहा है, तब हमारे लिए जरूरी है कि हम ये इंश्योर करें कि रिग्रस कंटेनमेंट मेजर्स वहां लिए जा जाए पर कि केस पाए गए हैं। हम ये इंश्योर करें कि जितने भी हमारे केस हैं उसका इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट हो, और साथ ही हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल पर भी अपना फोकस रखें। ऐसे पैंडेमिक्स में इससे पहले भी हिस्टोरिकली यह नोट किया गया है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का रिलैक्सेशन, यानी कि जब हम सोशल मोबिलिटी अलाउ करते हैं, उस समय पर सही ढंग से पालन ना हो और रिस्ट्रिक्शन को सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए, तो सडनली डिजीज ट्रांसमिशन रेट फिर से इंक्रीज हो सकता है। इसलिए लॉकडाउन के बेनिफिट्स को बनाए रखने के लिए हमें सबको मिलकर यह इंश्योर करना होगा कि हम सब अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और लॉकडाउन ईज होने के समय पर भी सभी प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का डिलिजेंटली पालन करें। देयर इज ए वेरी फाइन लाइन, कॉम्प्लेसेंट होंगे तो फिर से केसेस की संख्या बढ़ सकती है। दूसरी ओर जिन जिले में केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं, वहां पर अगर केस आएंगे तो वहां पर फिर से रेस्ट्रिक्शन लागू की जा सकती हैं। हम एक नए नॉर्मल में ट्रांजिशन कर रहे हैं, जरूरत है कि हम सब लोग सावधान रहें, सजग रहें और सतर्क रहकर कोविड 19 से निपटने की अपनी तैयारी को इसी स्पीड और मोमेंटम के साथ बढ़ाते रहें। हमें पब्लिक स्पेसेस में कंपल्सरली फेस मास्क या कवर्स को यूज करना है। इवन आउटसाइड कंटेनमेंट जोन में भी हमें सभी प्रिवेंटिव मेजर्स और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना है। इसेंशियल आइटम्स को भी खरीदते समय या कॉमन एरियाज में किसी से मीटिंग करते समय भी जो रिलैक्सेशन वाले एरिया हैं वहां पर भी हम भीड़ भाड़ से बचें। लेटेस्ट फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स का पालन करें। हैंड हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स को हमें डिलीजेंटली फॉलो करने की जरूरत है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जरूरत है कि जान भी है जहान भी है, और उसको सुनिश्चित करने के लिए आज जब हम लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, तो जरूरत है कि हम सब लोग मिलकर इस दिशा में प्रयत्न करें कि हम लॉकडाउन ईज करने के समय पर भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इस तरह से इंश्योर करें कि केसेस की संख्या ना बढ़े। प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं चेयरमैन एम्पावर्ड ग्रुप 6, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो आपको अपने एम्पावर्ड ग्रुप के बारे में ब्रीफ करें। सर, मैं एम्पावर्ड ग्रुप 6, जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स, इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से डील करता रहा है, मैं उसका चेयरमैन हूं। और इस ग्रुप ने जो जो काम किया है इसके बारे में मैं एक लिखित प्रेस रिलीज दे रहा हूं, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि एम्पावर्ड ग्रुप 6 का जो सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है कि इसने जो हमारे एनजीओ दर्पण में 92,000 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ रजिस्टर्ड थे, वो पहली बार भारत में इन सबको मोबिलाइज किया और हर सेक्टर में, वो न्यूट्रिशन हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, एजुकेशन हो, उन सबको हम लोगों ने मोबिलाइज किया और उनसे उनको कोऑर्डिनेट करवाया स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो कि जगह जगह जो हॉटस्पॉट्स थे, जहाँ जहाँ खाने की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ होमलेस डेली वेज वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स की को मदद करनी थी और खाना देना था, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मोबिलाइज करवाया। स्टेट गवर्नमेंट्स ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जिसने इन एनजीओस के साथ कोऑर्डिनेट किया। इन एनजीओस के लिए एक स्पेशल ऑर्डर इशू कराया गया, जिससे कि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी जितना चाहें वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से चावल और गेहूं ले सकते थे, 22 रुपये सब्सिडाइज रेट पे, 22 रुपये और 21 रुपये पे, जिससे कि भारत में कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। और इसलिए सारे एनजीओस ने मिलके इसमें सहायता की। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मोबिलाइज किया गया कि इन सारे एनजीओस के साथ मिलके वो काम करें, कम्युनिटी किचन्स में एक अवेयरनेस क्रिएट करें हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग की,
जहाँ जहाँ मदद चाहिए थी होमलेस के लिए, डेली वेज वर्कर्स के लिए, जहाँ जहाँ इन लोग के लिए कैंप्स बनाने थे, हेल्थ कैंप्स बनाने थे, रहने के कैंप्स बनाने थे, जहाँ जहाँ इन लोगों को एजेड लोगों को और डिसेबिलिटीज़ वाले व्यक्तियों की मदद करनी थी, उन सब की मदद की। और लगातार हम लोग इनके साथ करीब 10 या 12 मीटिंग्स हुई, जिसमें जो जो दिक्कतें आईं उन सबको हम लोग सॉल्व करते गए। और इन एनजीओज ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। और अब अगले फेज़ में जब हम जा रहे हैं, तो इन्हीं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज को हम उपयोग करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स और एल्डरलीज की कैसे मदद करनी है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, और स्टिग्मेटाइजेशन के खिलाफ कैसे काम करें। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एनजीओज के साथ एक इंटरेक्शन किया था, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी थे और हेल्थ सेक्रेटरी ने उनके साथ इंटरेक्ट किया, और उसके बाद एक और इंटरेक्शन हुआ जिसमें हेल्थ मिनिस्टर ने उनके साथ इंटरेक्शन किया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें 100 भारत की 112 सबसे बैकवर्ड, जिनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने काम किया सारे कलेक्टर्स के साथ मिलके। अभी तक 112 डिस्ट्रिक्ट में केवल 610 केसेस हुए हैं, जो कि भारत के 2% से का नेशनल लेवल इन्फेक्शन का 2% केवल है। और 112 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें करीब 22% भारत की जनसंख्या है रहती है, वहाँ केवल 2% केसेस रहे हैं। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बहुत कमाल का काम हुआ है। और केवल कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जैसे बारामुल्ला, नू, रांची, वाईएसआर, कुपवारा और जैसलमेर, जहाँ कि 30 से ज़्यादा केसेस हैं, बाकी जगह बहुत कम केसेस हैं। इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ टेस्टिंग किट्स का, पीपीज का, कोविड हॉस्पिटल्स का, कुक फूड्स का, एसएचजीज ने मास्क बनाए, और कई बहुत अच्छा काम किया गया। इसके अलावा हमने एक बहुत बड़ा मूवमेंट पिरामल्ट फाउंडेशन के साथ मूव किया है, जो है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, और ये अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि सेंसिटाइज करें लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स में और बिहेवियरल चेंज में। और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ मिलके इस ग्रुप ने एक और काम किया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स वगैरह को मोबिलाइज करने के लिए एक क्रिएटिव कंटेंट बनाने के लिए indiafightscovid.com, जो कि पब्लिक डोमेन में है, आप सब लोग डाउन कर सकते हैं, indiafightscovid.com, उसमें एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि भारत की जनसंख्या को कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रैटेजी बनी। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी मोबिलाइज किया, जिसमें WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDP, ILO, UN Women, UN Habitat, FAO, World Bank, Asian Development Bank थे। इन लोगों ने काम किया स्किल बिल्डिंग में, जिसमें 15,300 ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी, सर्वेलेंस हेल्थ ऑफिसर्स को बहुत ट्रेनिंग दी गई, और इन लोगों ने प्रोक्योरमेंट में काम किया, 2,00,000 PPPs दिए और 4,00,000 N95 मास्क भी इन्होंने WHO, यूनिसेफ ने मोबिलाइज किए। UNDP के थ्रू हमने फर्दर ऑर्डर किया है भी 10,000 वेंटिलेटर्स और 10 मिलियन PPE किट्स, जो यूनिसेफ भारत सरकार को देगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी को हर डिस्ट्रिक्ट में मोबिलाइज किया गया, और रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपने 40,000 वॉलंटियर्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, करीब 500 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया, और उन्होंने जगह जगह पर जा जाके क्वारंटाइन आइसोलेशन फैसिलिटीज, डोनेशन ऑफ वेंटिलेटर्स, मास्क, PPEs, टेस्ट किट्स में बहुत बड़ा काम किया। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के साथ भी पब्लिक गुड के लिए काम किया, और जिसमें कि बहुत बड़ा रोल रहा है प्राइवेट सेक्टर का इन सब मूवमेंट में। और प्राइवेट हेल्थ केयर के साथ हम मिलकर हमने CII, फिक्की, NASCOM और सबने क्या क्या काम किया, मैंने बड़े विस्तृत रूप से लिख कर बताया है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या काम किया, किसने काम हाइजीन के क्षेत्र में किया, किसने खाने के काम में किया, किसने रिसर्च फंडिंग में काम किया, सारा मैंने लिखकर दिया, इसलिए मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। पर मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि NASCOM के साथ मिलकर हमने स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन में बहुत बड़ा काम किया, और मेरे विचार से आगे चल के, क्योंकि मेक इन इंडिया हमको इन क्षेत्रों में काम करना है, और आगे चल के वेंटिलेटर्स हो, PPE किट्स हो, तो ये सब में बहुत बड़ा काम हुआ है। और मिलके कई
IITs के साथ मिलके, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, EDC पुणे, इन सबको मोबिलाइज किया गया कि इनकी टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया जाए हर क्षेत्र में, और कई वेंटिलेटर्स सोल्यूशन निकाले गए, जैसे एग्वा जिसने कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर बनाया जिसके साथ अब मारुति मिलकर काम कर रहा है, बायोडिजाइन जिसने कि एक रोबोटिक प्रोडक्ट रेस्पिड एयर एड निकाला, कायनियत जिसके बारे में मैंने यहाँ बहुत कुछ लिखा है, उसके अलावा क्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका कि एक्सरे के थ्रू वो कैपेसिटी जिसने अभी बॉम्बे में काम कर रहा है 10,000 CXR निकालता है इमेजेस डेली जिससे पता चलता है कि किसी को फर्स्ट स्टेज COVID-19 सिम्टम्स है कि नहीं, इसी तरह ड्रोना मैप्स, एम्फाइन और कई स्टार्टअप्स ने काम किया है इन कई क्षेत्रों में। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आरोग्य सेतु के ऐप के साथ जो हम लोगों ने काम किया था उसमें अब टेलीमेडिसिन फीचर भी लग चुका है, और करीब ये आरोग्य सेतु ऐप अब करीब 90 मिलियन इंस्टॉलेशंस इसके गूगल पे स्टोर में लग चुके हैं, और ये अभी शॉर्टली इसका फीचर फोन ऐप भी निकलेगा, और इसके साथ साथ ये आरोग्य सेतु मित्र जो कि जिसमें कि सारे टेलीमेडिसिन फीचर्स हैं वो भी हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि EG6 ने मिलकर अब हमारे कुछ पार्टनर्स थे जैसे टेमेसेक, जैसे कि भारत बिल मेलिंडा गेट फाउंडेशन, टेमेसेक ने करीब 70,000 RT-PCR टेस्टिंग किट्स फ्री में डोनेट किए, बिल मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने 30,000 दिए, और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बॉडीज ने N95 और सर्जिकल मास्क डोनेट किए। मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि NGOs, प्राइवेट सेक्टर हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब ने मिल के हर कदम पे भारत सरकार के मिल के क्रिएटिव तरीके से जो भी सहायता हो सकती थी मोबिलाइजेशन किया, और हर कदम पर हम लोग के साथ मिल के इस COVID-19 युद्ध में हमारी सहायता की। धन्यवाद सर, आपका जो प्रेस नोट इट हैज बीन सर्कुलेटेड, इट विल आल्सो बी गेटिंग अपलोडेड ऑन द PIB वेबसाइट। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मौसमी सिंह फ्रॉम आज तक। सर एक बहुत ज्वलंत सवाल है, MHA या हेल्थ मिनिस्ट्री आंसर कर सकती है। रेल टिकट को लेके काफ़ी विवाद खड़ा हुआ है कि कौन रेल का टिकट देगा, और रेलवे मिनिस्ट्री ने ऐसी गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा था कि स्टेट्स जो है वसूली करें मजदूरों से और फिर वो रेल को जाएगा, तो उस पर स्पष्टीकरण चाहिए कि क्या किराया वसूला जा रहा है, वो क्या रेल Tomorrow we are inviting here only representatives from the railways who can clarify everything. Can we just postpone to that? Or I think Sir, actually, let me respond. मैं आपको बता दूँ। Yeah, just 1 minute. नहीं कोई बात नहीं मैम, आपका question factually it has to be cleared. सबसे पहले तो आप ये समझें कि as far as people who are there, जो हमारे migrant laborers थे, हमारी guidelines ने clearly कहा है कि infectious disease management के भाग के रूप में जो मनुष्य जहाँ है वहीं रहे। उसके बाद बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट गिवन फ्रॉम स्टेट्स फॉर पर्टिकुलर केसेस, उन्होंने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की तो उसके बेसिस पर स्टेट की रिक्वेस्ट के तहत उन लोगों को स्पेशल ट्रेन चलाने की हमने परमिशन दी। जैसे कि आपने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवे बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है, और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट्स रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर्स, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 स्टेट्स। मिस्टर अमीर, न्यूज नेशन। मेरा सवाल सर लॉकडाउन 3.0 को लेकर के है, और सवाल ये है, आवाज आ रही मेरी? सवाल ये है सर कि ये जो ढील दी गई है, इससे पहले WHO ने भी कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा ढील दी जाएगी तो ये मामले और बढ़ सकते हैं, मतलब डबल भी हो सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर ये ढील दी गई है तो अगर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है, जैसा कि आज देखा गया कि शराब की दुकानों में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, सुबह से दुकानें जब खुली थी तो बहुत भीड़ देखने को मिली थी, तो क्या आपको लगता है क्या इस पर हो सकता है? सर जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने आपको भी बताया कि पहली बात तो इसको मैं दूसरे ढंग से कहना चाहूँगी, लॉकडाउन 3.0 ना बोलते हुए इसे ईजिंग आउट पॉइंट नंबर 2 बोल सकते हैं आप, क्योंकि जैसे हम लोग प्रोसेस करते जा रहे हैं कि
माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे कहा था कि इट इज अबाउट जान भी जहान भी, तो कैसे हम अपने सिस्टम्स को रिवाइव करते हुए इस डिजीज को मैनेज करें, कैसे कम्युनिटी ओनरशिप को एज ए प्रोसेस के रूप में लाके आगे बढ़ाते हुए जिसमें कि कम्युनिटी अपने बिहेवियरल चेंज पर फोकस करे, सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग एज ए नॉर्म अपनी लाइफ में लाए, और साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से कंटेनमेंट एफर्ट्स पर हमारे उसी तरीके से उसी स्ट्रेंथ के साथ हम काम करते रहें, ये हमारा प्रोसेस है। और उसी के तहत जब आज हम ईजिंग आउट कर रहे हैं जो स्टैगर्ड वे में रेड ऑरेंज या ग्रीन जोन में जो हमने रिलैक्सेशन की बात की है, आपके द्वारा हम फिर कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दिस इज ए प्रोसेस वेयर एवरीवन इज ए स्टेक होल्डर, एवरीवन हैज टू टेक हिज एंड हर ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द सिचुएशन। आज हम सबको समझने की बहुत जरूरत है कि कोई भी अगर यंग आदमी भी सोचता है कि चलो मैं बाहर जाऊंगा, मैं फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं यंग हूं, शायद मुझे इन्फेक्शन ना हो, तो उसको ये समझना होगा कि उसके घर में अगर उसके बच्चे हैं या उसके घर के एल्डरली हैं, उसके आस पड़ोस के एल्डरली हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए उसको अपनी सोशल कमिटमेंट, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक प्रोसेस के रूप में अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। और यही रिक्वेस्ट हम फिर से बार बार आपसे करते हैं और आपके द्वारा कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सबको मिलकर इस लड़ाई को लेना है। ऑनलाइन क्वेश्चन है, देश में लॉकडाउन के बाद भी लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 3 दिनों में 2000 से अधिक मामले प्रतिदिन आ रहे हैं, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय या ICMR इसके पीछे कोई और वजह जानते हैं कि क्या मानते हैं इसके बारे में? सर, इट इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड, इट इज ऑलवेज लाइक ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसके होते हुए भी लॉकडाउन समझें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रमोशन एक लाइफ का पार्ट समझें या साथ में कंटेनमेंट एफर्ट्स, इन सब के कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो लॉकडाउन से पहले जब हमारे यहाँ देश का डबलिंग रेट 3.4 था, आज वे बढ़कर 12 दिन हो गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन एज वेल एज कंटेनमेंट एफर्ट्स डन बाय गवर्नमेंट इज यील्डिंग इट्स रिजल्ट, बट हमारा पैरेलल चैलेंज आज ये है कि इस रिजल्ट को हम इससे बेहतर कैसे बनाएं। जब हम ईजिंग आउट ऑफ सिचुएशन करते हैं तो क्या कम्युनिटी, हम हर जैसे कम्युनिटी ने अब तक हमें सपोर्ट दिया है उसी स्ट्रेंथ के साथ हम काम करते हुए कैसे अपने डबलिंग रेट के दिन और बढ़ा सकते हैं? मिस्टर पीयूष पांडे, TV9 वार्तवर। मेरा सवाल स्वास्थ्य मंत्रालय से है। सवाल ये है कि जिन राज्यों में बड़ी तेजी से केस आ रहे हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, क्या वहाँ जो टेस्टिंग किट है उनकी कमी की सूचना आपके पास आई है और क्या केंद्र सरकार उनको टेस्टिंग किट मुहैया करा रही है? सर, जितने भी केसेस जहाँ पर देश में आ रहे हैं, इससे पहले हमने कई बार इस बारे में डिटेल में डिस्कस किया, हमने एक लैब से बढ़ाते हुए आज हमारी सिचुएशन की देश में 426 लैब्स हैं, जिसमें से कि 315 गवर्नमेंट सेक्टर में है और 111 लैब प्राइवेट सेक्टर में है। तो हम लोगों ने यह इंश्योर किया कि प्रोग्रेसिवली एज पर नीड हम लोग उसको प्लान करते हुए अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाते चले हैं, तो देश में टेस्टिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। दूसरी इससे लिंक बात मैं आपके लोगों के नॉलेज में लाना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो 1 तारीख को देश में 74,507 टेस्ट हुए और कल का भी अगर आप डेटा देखें तो 57,474 टेस्ट देश में हुए हैं। तो देश में टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, देश में एज पर द सैम्पलिंग क्राइटेरिया टेस्टिंग के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं और हम हर तरह से इंश्योर कर रहे हैं कि जहां पर भी हमारे केसेस ज्यादा आए हम उन केसेस को स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कैसे कंटेनमेंट जोन बनाए और उन केसेस को कंट्रोल करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों की नॉलेज में ये भी लाना चाहूंगा कि जैसे कुछ जिलों में जहां पर की केसेस की संख्या ज्यादा पाई गई, स्टेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कैबिनेट सेक्रेटरी सर के लेवल पर भी उस पर डिस्कशन हुआ और कलेक्टिवली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे कंटेनमेंट मेजर्स में क्या एडिशनल एफर्ट हमें करने की जरूरत है और स्टेट के सपोर्ट के लिए हमने 20 सेंट्रल टीम्स भी अभी रिसेंटली भेजी हैं। मिस्टर अशोक, ANI। मेरा सवाल यह है कि क्या हम लोग तैयार हैं अगर एवैक्यूएशन प्लान होता है तो उनके क्वारंटीन सेंटर के लिए और बाहर से जो लोग आएंगे उनके रखरखाव के लिए, और इसकी तैयारी कर ली गई है? सर, अभी इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, अगर कभी भी ये डिसीजन लिया जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको डिटेल में ब्रीफ कर सकते हैं, बट शॉर्ट में मैं आप लोगों की नॉलेज में लाऊंगा कि अगर कोई भी डिसीजन होता है तो वो एक स्टैंडर्ड SOP के तहत होगा और उसके तहत ही कार्य किया जाएगा। मिस्टर पेरिमल, NDTV। सर, मेरा सवाल ये है कि कल एक खबर आई कि पीक जो है केसेस का वो मई के एंड या जून के शुरू में आएगा, क्या आप लोगों की जानकारी में है कि इस तरह का पीक उस वक्त आएगा? और दूसरे नंबर चीज़ ये
कि क्या कर्व फ्लैटेंड हो रहा है? सर, क्वेश्चन ऑफ पीक इज लिंक टू हाउ वी कलेक्टिवली ऑपरेट। अगर हम लोग, जैसे कि अगर आपने देखें लॉकडाउन के समय में भी और अदरवाइज कंटेनमेंट एक्टिविटीज के थ्रू कैसे हम केसेस की संख्या को रिलेटिवली कंट्रोल करते हुए आ रहे हैं, तो अगर आप इसको एज ए कर्व देखें तो द कर्व इज रिलेटिवली फ्लैट एज ऑफ नाउ। और साथ में पीक कब आएगी, आई थिंक इट इज एक्चुअली नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट द होल सिचुएशन। व्हाट इज रिलेवेंट इज कि जब हमें पता है कि किस तरीके से हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, तो अगर हम कलेक्टिवली मिलकर उस दिशा में कार्य करेंगे तो पीक शायद कभी ना आए, और अगर हम कहीं पर भी फेल होते हैं तो उसी टाइम पर हम एक स्पाइक को ऑब्जर्व करें। मिस्टर नीलो, दैनिक जागरण। उसमें वो लगातार कह रहे हैं कि जो केसेस बता रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो गलत आंकड़े दे रहे हैं। वहाँ जो मौत के जो रजिस्टर हो रहा है जो बता रहे हैं वो भी गलत दे रहे हैं। तो अगर कोई स्टेट इस ढंग से सहयोग नहीं कर रहा और गलत आंकड़े दे रहा है तो फिर कैसे आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे? सर, पूरे एफर्ट में अगर आप देखें कलेक्टिवली जो भी आज तक देश का ओवरऑल स्टेटस रहा है, वह स्टेटस आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इफेक्टिवली इट इज स्टेट्स विच टेक ओनरशिप एंड डिलीवर। तो मैं ये आपकी बात को उस सेंस में कहना चाहूंगा कि आज भी हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो स्टेट के साथ मिलकर ही कर रहे हैं। यस, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। माय क्वेश्चन इज फ्रॉम अभिनव कांत। नो सी, व्हेन एमएचए इज इशूइंग सम गाइडलाइंस, वी सी सम स्टेट्स टाइटनिंग दोस गाइडलाइंस। फॉर एग्जांपल इन केरला द लिकर शॉप्स आर नॉट अलाउड टू वर्क, एंड यू नो देन व्हाट यू नो व्हाट अबाउट योर plans to revive or reopen the economy that way, you know, and what is Niti Aayog's assessment of the state of the economy as of today? See, under the guidelines, it is very clear that Ministry of Home Affairs has very clearly stated that these are the guidelines for the country and beyond which the states can further tighten it up depending on the situation on ground. They can, because in a federal structure, they are fully aware of the scenario on ground, district by district by district, they are fully aware. And therefore, it is left to the state governments to decide what more they can do beyond the guidelines issued by the Ministry of Home Affairs. And therefore, it is within the domain of the state government to take a call. Whether the situation is improving, they'll loosen up. If the situation is worsening, they can tighten up. How many red, orange and green areas there are, it is for the state to take a call. Thank you very much, friends. Thank you. Now, the economy is, the first opening up is done, so we'll have to wait and see. We'll have to wait and see, as the supply chain opens up, how the economy takes off now, in the days to come. Thank you. Thank you very much.